नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए इस वीडियो में पोको X6 5G जो है, जो मोबाइल है, इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो देखिए, ये जो है कुछ इसी प्रकार से बॉक्स में आपको ये मिलता है। तो ये जो वेरिएंट है 12 GB और जो है 512 GB वाला जो है वेरिएंट है ये, यानी कि 12 GB इसमें रैम है और 512 GB का इसमें आपका इंटरनल स्टोरेज है। तो चलिए अभी अनबॉक्स करके दिखाते हैं बाकी जो स्पेसिफिकेशन है इसका। यदि मेन मेन स्पेसिफिकेशन का बात किया जाए, इसका जो प्रोसेसर IC है, देखिए स्नैपड्रैगन का जो है 7S Generation 2 जो है ये प्रोसेसर है। तो इसका जो प्रोसेसर का जो स्पीड है 2.4 GHz का आपको इसमें स्पीड मिलता है। अगर यदि डिस्प्ले का बात करते हैं तो 1.5K 120Hz का जो है इसमें आपको AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, यानी कि बढ़िया जो है आपको डिस्प्ले इसका मिल जाता है। उसके बाद रियर का यदि बात किया जाए कैमरा सेटअप का, तो पीछे में जो कैमरा है आपको, आपका जो मेन कैमरा है वो 64 MP का है, ट्रिपल कैमरा सेटअप है। तो इसमें जो है आपको पीछे में 64 8+2 का ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको मिल जाता है। फ्रंट में आपको सेल्फी के लिए 16 MP का कैमरा आपको मिल जाता है, यानी कि सेल्फी भी इसमें जो है आपको अच्छा खासा आएगा। उसके बाद देखिए जो चार्जर है 67 वाट का जो है चार्जर आपको इन द बॉक्स आपको मिल जाता है, इसी में आपको मिल जाता है, तभी आपको दिखाएंगे अनबॉक्स करके। उसके बाद जो है आपको डिस्प्ले में फिंगर मिलता है, यानी कि जो है आपका जो फिंगरप्रिंट रीडर है वो डिस्प्ले में ही है। जो है मोबाइल को अनलॉक करने के लिए आप डिस्प्ले में ही जो आपका डिस्प्ले है उसी में फिंगर देके उसको आप अनलॉक कर सकते हैं। तो चलिए अनबॉक्स करके आपको दिखाते हैं। अगर यदि आप फ्लिपकार्ट इस सबसे मंगाते हैं तो इसका जो प्राइस का है, अभी करेंटली अगर जी प्राइस का बात करते हैं, इसका जो एक्चुअली प्राइस है वो यहाँ पर दिया हुआ 27,999 है प्राइस, लेकिन ये आपको 19,000 में आपको फ्लिपकार्ट में ये आपको मिल जाता है ये वाला वेरियंट। तो इसका सारा डिटेल्स हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक में दे देंगे, तो वहाँ से पूरा डिटेल्स को आप देख सकते हैं। देखिए इसका जो प्राइस है 27,999 है, लेकिन ये आपको 18,999 में, यानी कि 19,000 में आपको ये फ्लिपकार्ट में आपको ये मिल जाएगा। तो उसका लिंक हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाकर खरीद सकते हैं। इसका देखिए वेरियंट जो है 12 GB रैम है इसमें और 512 GB इसका जो है स्टोरेज है। इसमें जो बैटरी का यदि बात करते हैं तो 5100 mAh का बड़ा बैटरी है। तो चलिए अनबॉक्स करके दिखाते हैं। इसको अगर यदि आप फ्लिपकार्ट से बाय करते हैं तो इसमें जो है आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी मिलता है। तो इसको आपको चेक करके लेना है, सारा चीज़ आपको इसको चेक कर लेना है। देखिए ये जो है फ्लिपकार्ट से बाय किए हुए थे तो ओपन बॉक्स डिलीवरी आता है, तो इसको आपको चेक कर लेना है आपका सारा सामान है या नहीं है। तो अभी चलिए आपको दिखाते हैं, अनबॉक्स करके सारा चीज़ आपको दिखाते हैं। तो ये डिवाइस है साथ में, देखिए जो है आपको ये डिवाइस मिल जाता है। उसके बाद देखिए ये कैश है ये सब रखने के लिए। यहाँ पर देखिए चार्जर जो है आपको 67 वाट का बड़ा चार्जर देखिए आपको मिल जाता है इसके साथ में। ये सारा डिटेल्स इसका यहाँ आपको मिल जाता है, देख सकते हैं। तो ये जो है 67 वाट का चार्जर है, देख सकते हैं। इसके साथ में देखिए इन द बॉक्स ही आपको देखिए ये जो है USB केबल भी मिल जाता है। देखिए डाटा केबल जो है साथ में ही आपको मिल जाता है। तो डाटा केबल का यदि लेंथ का बात करते हैं तो ये लगभग आपको 1 मीटर का लगभग ये आपका लंबाई का जो है लेंथ का आपको ये डाटा केबल भी मिल जाता है, देख सकते हैं। इसके साथ में और एक छोटा पैकेट देखिए आपको मिल जाता है। तो चलिए इसमें दिखाते हैं क्या क्या आपको मिलता है इसके साथ में। इसके साथ में देखिए आपको जो है सिम इजेक्टर मिल जाता है। देखिए सिम निकालने के लिए आपको ये मिल जाता है सिम इजेक्टर, ये आपको जो है ज़रूरत होगा सिम लगाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको जो है ये क्विक स्टार्ट गाइड आपको इसमें इसके साथ में मिल जाता है। तो इससे कैसे इसको चलाना है वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। तो देखिए ये जो है क्विक गाइड आपको एक मिल जाता है। उसके बाद देखिए ये जो है बैक का कवर आपको मिल जाता है इसमें। देखिए पीछे का जो कैश है मोबाइल का ये आपको मिल जाता है, बैक कवर मिल जाता है। देखिए बढ़िया क्वालिटी का ये कवर आपको मिल जाता है साथ में ही। तो ये सारा चीज़ इसके साथ में आपको बॉक्स में मिल जाता है। उसके बाद ये आपका डिवाइस है, तो चलिए इसको अनबॉक्स करके आपको अभी दिखाते हैं और कैसे इसको ऑन करना है, चालू कैसे करना है, ये सारा चीज़ आपको अभी बताते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको ये मोबाइल मिल जाता है, पोको X6 5G। देखिए इसी प्रकार से ये मिलता है, देख सकते हैं बैक का लुक कुछ इस प्रकार से है। देखिए बहुत अच्छा लुक है बैक में। देखिए ये जो ग्लास का लुक यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ग्लास से फिनिश है। उसके बाद ये फ्रंट का लुक है। तो इसको ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रेस करके रखना है, ये पावर बटन यहाँ पर आपको मिल जाता है, ये पावर बटन मिल जाता है, इसको प्रेस करके रखना है। उसके बाद वॉल्यूम अप डाउन के लिए ये बटन मिल जाता है। यहाँ फ्रंट कैमरा आपको बीच में मिल जाता है। यहाँ पर जो है आपको स्पीकर मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर जो है स्पीकर, और यहाँ पर ये ड्यूल स्पीकर आपको मिल जाता है। उसके बाद सिम यहाँ पर आपको सिम का जो ट्रे होता है यहाँ पर आपको मिल जाता है। ये माइक है, ये आपका चार्जर के लिए है, तो ये सी टाइप चार्जर आपका सपोर्ट करता है। देखिए यहाँ पर सी टाइप का जैक लगा हुआ है। और जो है यदि हेडफोन का बात करते हैं तो यहाँ पर हेडफोन जैक भी दिया हुआ है, 3.5 mm का आपको हेडफोन जैक भी मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको
और एक माइक मिल जाता है, कैंसलेशन के लिए एक माइक मिल जाता है, देख सकते हैं। तो ये सारा जो है सेंसर इसके साथ में आपको मिल जाता है, देखिए। तो अब इसको ऑफ़ करने का यदि आप चाहते हैं तो आपको इसको प्रेस करके रखना है, और जो है ये देखिए आप इसको अप करके इसको आप शट डाउन कर सकते हैं, यानी कि मोबाइल को ऑफ़ कर सकते हैं। तो इसको आपको प्रेस करके रखना है। तो चलिए इसको कैसे सेटअप करना है वो आपको सेटअप करके अभी बताते हैं। तो सिम लगे यदि लगाना चाहते हैं तो सिम लगाने के लिए यहाँ पर देखिए सिम का ट्रे मिल जाता है। तो ये जो सिम इजेक्टर है इसको यहाँ पर आपको इसे प्रेस करना है, देखिए। तो ये जो है जैसे थोड़ा सा पुश करते हैं तो ये आपका निकल जाता है, देखिए ये जो है ये आपका निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए सिम वन इधर लगता है, उसके बाद बैक में आपका सिम टू लग जाता है। तो यहाँ पर सिम आपको लगा देना है इसमें, उसके बाद जो है इसको आपका जो है ये सिम का जो ट्रे है उसको इस प्रकार से यहाँ पर आपको लगा देना है, देखिए। इस प्रकार से ये आपका लग जाएगा, देखिए। तो ये सिम इसी प्रकार से आप लगा सकते हैं। तो चलिए अब जो है आपको इसको सेटअप करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आता है तो आपको एरो जो है मिलता है, जो ये वाला एरो आपको दिखाते हैं अभी, यहाँ जो ये एरो मिलता है इसमें आपको टैप करना है। उसके बाद लैंग्वेज आ गई, यदि आप हिंदी करना चाहते हैं हिंदी कर सकते हैं, जो लैंग्वेज आपको समझ में आता है यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारा लैंग्वेज है। तो हम अभी यहाँ पर इंग्लिश कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए एक एरो मिल जाता है, तीर मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको टैप करना है। उसके बाद रीजन आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, तभी हम इंडिया में हैं तो इंडिया यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर नीचे में एक एरो मिल जाता है तो यहाँ पर आपको टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन है तो इसमें थोड़ा सा आपको नीचे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आई हैव रीड जो है यूज़र जो टर्म एंड कंडीशन है एग्रीमेंट है उसको यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना होगा, यानी कि यहाँ पर आपको टिक लगा देना है। फिर यहाँ पर देखिए ब्लू जो है कलर में ये एरो हाईलाइट हो जाता है तो यहाँ पर फिर से आपको टैप कर देना है। तब देखिए यहाँ पर जो है चेकिंग सिम, अगर यदि सिम नहीं लगाए हुए तो यहाँ पर जो है आपको आगे बढ़ जाना है। इसको देखिए ये जो एरो है यहाँ पर आपको टैप कर देना है, सिम बाद में भी लगा सकते हैं। उसके बाद वाईफाई कनेक्ट करने के लिए दे रहा है तो यहाँ पर जो है वाईफाई आप कनेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इसको आपको स्किप कर देना है। यदि अभी करेंटली आपको वाईफाई नहीं कनेक्ट करना है तो कोई बात नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर गूगल का टर्म एंड कंडीशन है तो इसको भी आपको एक्सेप्ट करना होगा। देखिए यहाँ पर नीचे थोड़ा आपको आ जाना है, स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आ जाना है, तो वहाँ पर आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं गूगल का टर्म एंड कंडीशन। उसके बाद देखिए स्क्रीन लॉक है, देखिए स्क्रीन लॉक आप यहाँ पर लगा सकते हैं या फिर नहीं लगाना चाहते हैं तो इसको भी आपको स्किप कर देना है। तो ये डिवाइस जो है आपका ये रेडी हो जाएगा। अब देखिए बेसिक सेटिंग है तो इसको जो भी आपको थोड़ा नीचे आ जाना है, देखिए। उसके बाद जो है फिर यहाँ पर आपका जो एरो है ये ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको टैप कर देना है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है एग्री में आपको यहाँ पर टैप कर देना है, देखिए। तो अब देखिए प्रिपेयर सिस्टम, तो अब जो है जो आपका जो डिवाइस है ये आपका रेडी हो जाएगा यूज करने के लिए। आप इसमें उसके बाद यूज कर सकते हैं ऐप्स को, इसमें जो इंस्टॉल ऐप्स है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें समय लगता है, जस्ट ए सेकेंड, तो आपको थोड़ा देर इसमें वेट करना है, आपका डिवाइस ये रेडी हो जाएगा। तो सेटअप के संबंधित और किसी प्रकार का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसमें आपको पूरा डिटेल्स बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब जो है सेटअप कंप्लीटेड हो गया है तो यहाँ पर फिर एक एरो आ जाता है, देखिए। तो यहाँ पर आपको इसको टैप कर देना है। तो अब देखिए अब जो है आपका जो डिवाइस है जो मोबाइल है आपका ये रेडी हो जाएगा यूज के लिए, देखिए कुछ इसी प्रकार से ये आपका डिवाइस रेडी हो जाएगा। अब इसमें आप गूगल को लॉगिन करके सारा सर्विस को आप यूज कर सकते हैं। यहाँ ये कैमरा है तो कैमरा का क्वालिटी देख लीजिए, यहाँ पर इसको आपको व्हाइल यूजिंग द ऐप इसमें टैप कर देना है, देखिए क्वालिटी कैमरा का कुछ इसी प्रकार से आपको जो है देखने के लिए मिलेगा, देखिए। उसके बाद बाकी ऐप्स को आप यूज कर सकते हैं, देखिए नीचे में सारा ऐप्स आपको मिल जाता है। यहाँ पर नीचे से जब आप जो है अप डाउन अप स्वाइप जब करते हैं तो आपको सारा मेन्यू यहाँ पर मिल जाता है अप स्वाइप में। तो देखिए ये जो है बाकी जो है शॉर्टकट करके आप यहाँ पर मेन्यू को रख सकते हैं। तो यही था इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो और जो है यूज़र गाइड देने का हम प्रयास किए हुए थे। तो इसको हम कुछ दिन यूज कर लेते हैं और एक रिव्यू वीडियो भी आपको दे देंगे। तो यदि इसको आप खरीदना चाह रहे हैं इस डिवाइस को इस प्राइस रेंज में, ये बेस्ट मोबाइल है, यदि इसको आप खरीदना चाह रहे हैं सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।